दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि यानी हमारे पूर्वज कौवे के लिए खीर बनाने के लिए कहा करते थे। आइए जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान। दोस्तों, आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए ही होंगे, या फिर किसी को लगाते तो जरूर देखा होगा, या फिर ये बीज कहीं मिलते हैं क्या? लेकिन इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। दरअसल बात यह है कि बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उसे रोपने की कोशिश करो, परंतु वो लगेगी ही नहीं। कारण प्रकृति है दोस्तों। कुदरत ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के फल कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज का प्रोसेसिंग होता है और तब जाकर यह बीज उगने लायक होता है। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं यानी पोटी करते हैं, वहाँ वहाँ पर यह दोनों वृक्ष उगाते हैं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक यानी दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, और बरगद के औषधीय गुण के बारे में तो हम जानते ही हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर इन दोनों वृक्ष को उगाना है तो बिना कौवे की मदद के यह संभव नहीं है, इसलिए कौवे को बचाना ही पड़ेगा। मादा कौवा भादो महीने में अंडे देती है और उस अंडे से नवजात बच्चे निकलते हैं, तो इस नई पीढ़ी के लिए उपयोगी और पौष्टिक आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनि ने कौवे के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था करवाई थी, जिससे कि कौवे की नई जनरेशन का पालन पोषण हो सके। और अब सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले, पहले सनातन धर्म को जान लो। जब आपके विज्ञान भी नहीं थे, हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है और कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी चीज नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।